NIOS बोर्ड के द्वारा अप्रैल 2024 के रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है और जो पास हो चुके हैं उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो पास नहीं हुए हैं उनके लिए भी एक सोल्यूशन। अगर आपके रिजल्ट में SYC, SYCT, SYCP अगर इनमें से कुछ भी शो हो रहा है तो आप मात्र एक हफ्ते में एग्जाम देके दोबारा से पास हो सकते हो, और आपके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि आज इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं भी मिस मत करना, ये वीडियो आपके बहुत काम की है जो आपको गारंटेड पास करवा देगी। और आप अपने रिजल्ट को अभी देख के जो निराश हो रहे हो आप बहुत खुश हो जाओगे। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। टेक्निकल इशू की वजह से जो रिजल्ट चेक नहीं कर पाए थे तो प्लीज एक बार चेक कर लेना और आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। कौन कहता है कि एनएस बोर्ड में मार्क्स नहीं आते, बस गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। ये देखिए आप, ये अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, आप इनमें मार्क्स भी देख सकते हो। मोस्टली हमारे पास PCMB के स्टूडेंट्स थे, आप इनके मार्क्स देखिए, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, किसी के 92, 95, 96, 90% मार्क्स आए हैं, आपके भी आ सकते हैं। वही चीज अब मैं आपको बताने वाला हूँ, बस इसको सही से समझना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके रिजल्ट में अगर यहाँ पे XXX हो रहा है तो इसका रीजन क्या है। देखिए, अगर आपके रिजल्ट में SYC आया है तो इसका सिंपल मतलब होता है आप प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों में ही फेल हो गए हो, और ये चीज आपको दोनों ही द्वारा देना होगा। जैसे केमिस्ट्री है इनके पास, तो दोबारा देना होगा दोनों चीजें। और अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है और SYC आया है तो आपको सिर्फ थ्योरी का एग्जाम दोबारा देना होगा। और अगर SYCT आया है, दैट मींस आपको सिर्फ थ्योरी का देना होगा, प्रैक्टिकल दोबारा नहीं देना होगा अगर एंड में टी लिखा हुआ है। और अगर एंड में पी लिखा हुआ है, दैट मींस SYCP, तो आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा देना होगा, थ्योरी आपको दोबारा नहीं देना होगा। तो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है। इसके बावजूद भी अगर आपके रिजल्ट में UFM आ चुका है या RW RL शो हो रहा है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो थोड़े दिन वेट कीजिए, आपका रिजल्ट अपडेट होगा। अगर अपडेट नहीं होता है तो आपको भी यही करना है जो इन स्टूडेंट्स को करना है। करना क्या है, आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा, और ये एग्जाम्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप इनमें से जिस भी मंथ में बोलोगे उस डेट पे आपके एग्जाम्स करवा दिया जाएगा। और जहां पे भी आप रहते हो वहां जाके आपको एग्जाम देना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको डेट बुक करनी होगी। डेट बुक करने की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मान लो SYC अगर आपके एक सब्जेक्ट में आया है तो एक सब्जेक्ट के आगे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है। अगर दो में आया है तो दो के आगे क्लिक करना है, तीन में आया है तो तीन के आगे लिंक पे क्लिक करना है, चार में आया तो चार के आगे, और पांच में आया तो पांच के आगे। मान लो आपने लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको वाइन आउट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डिटेल फिल करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट करके पेमेंट करनी है। जैसे आप पेमेंट करोगे आपके पास 5 मिनट में कॉल आएगा, और कॉल करने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर किस मंथ में एग्जाम देना चाहते हो और किस डेट पे देना चाहते हो। क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पे 200 से 250 ही सीट बची हुई है, और ये सीट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और एक बार सीट खत्म हो गई फिर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना होगा, इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सके सीट बुक कर लेनी है। और जैसे ही आप बता देते हो कि मुझे इस डेट पे एग्जाम देनी है तो वही डेट बुक करके आपको उसी टाइम होल टिकट दे दिया जाएगा, और आप अपना एग्जाम नेक्स्ट वीक दे सकते हो। जो आप फीस पे करते हो उसमें हम आपको सिर्फ डेट बुक करके होल टिकट नहीं देते, इसके अलावा हम आपको क्या क्या देते हैं, होल टिकट तो देते ही है, इसके अलावा हम आपको ऑन डिमांड में जो क्वेश्चंस आएंगे उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको पहले ही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ दे देते हैं। इसके बाद अगर TMA में मार्क्स नहीं मिला तो वो दिलवाते हैं, अगर आपका प्रैक्टिकल रह गया तो प्रैक्टिकल फाइल आपको दे देते हैं, वही जाके आपको सबमिट करवाना है। ऑनलाइन क्लासेस, देखिए अप्रैल 2024 में क्या प्रॉब्लम ऐसी रही जिसके वजह से आपके रिजल्ट में ऐसा आ गया, तो एक दो नहीं, ये देखिए ये पूरी टीचिंग फैकल्टी है हमारी, एक एक करके फेस टू फेस आपसे बात की जाएगी, और वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मुश्किल से 10 से 15 दिन लगेंगे, हम आपको वही क्वेश्चन बता देंगे, और जैसे ये सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं एक बार इनके रिजल्ट देखिए आप, वैसे आप भी पास हो जाओगे। तो हमारी पूरी टीचिंग फैकल्टी आपको फेस टू फेस पढ़ाएगी और वही क्वेश्चन बताएगी जो आपके एग्जाम्स में आए, और लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अप्रैल 2000 एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो सॉल्व करवा दिया जाएगा, और इतना सब कुछ कर लेने के बाद आप ग्रांटेड पास होगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि हर साल स्टूडेंट्स पास हुए, और इस बार भी जिन्होंने फीडबैक दिया है कि सर आपकी मैराथन क्लासेस से बहुत हेल्प मिली, हम सिर्फ नोट्स पढ़ कर गए थे वो पास हो गए, बट अगर किसी भी रीजन से आप रह गए, क्या पता कहीं कुछ कमी रह गई होगी, वही कमी ढूंढ कर आपको पास करवाएंगे। आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हम पे छोड़ दीजिए। तो क्वेश्चंस पेपर की एग्जाम में जाने से पहले ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑन डिमांड में सेंटर पे स्टूडेंट्स कम होते हैं, फुल जुगाड़ करवा के आपको पास करवाते हैं। जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास जो KV गवर्नमेंट प्राइवेट जो स्कूल्स है वही जाना होगा आप अपना एग्जाम देने के लिए। लेकिन इसका एग्जाम स्टेट के कैपिटल में होता है, जैसे उत्तराखंड के देहरादून में, बिहार के पटना में,
दिल्ली के नोएडा में होता है, मध्य प्रदेश का भोपाल में होता है, तो जितने भी स्टेट कैपिटल्स हैं वहीं पे इसका एग्जाम होता है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। और अगर आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट है तो उसका ऑन डिमांड नहीं होता, या तो आप कोई नया सब्जेक्ट ऐड करवा सकते हो या वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम आप अक्टूबर में दे सकते हो। तो ज्यादा आपको वेट नहीं करना होगा, आप नेक्स्ट वीक ही अपना एग्जाम दे सकते हो अभी डेट बुकिंग करवा के। और जैसे ये सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, आप एक बार इनके मार्क्स को देखिए, बहुत खुशी हो रही है इस बार कि मार्क्स एनुअल बोर्ड में इतने अच्छे अच्छे आए हैं, और इस बार आपके भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, बस आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई। वही गाइडेंस इस बार मैं आपको देने वाला हूँ पर्सनली, और वही चीज जाके आपको एग्जाम में कर आना है, आराम से पास हो जाओगे, इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। चाहे आपके पेरेंट्स हो, दोस्त यार हो, या आगे आपको जो करना है, आप नेक्स्ट वीक एग्जाम दोगे और आसानी से पास भी जाओगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। जितने भी स्टूडेंट्स इस बार पास हुए, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना इन वीडियोस ने आपकी कितनी हेल्प करी है, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स भी इसका फायदा ले सके। एंड अगर आपके रिजल्ट में इनमें से कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको एक काम करना है, अपने डैशबोर्ड को ओपन करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके जिन सब्जेक्ट में आपको ये प्रॉब्लम आई है, जो प्रॉब्लम आई है उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है, आपकी उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और सीट बुक करवाने के लिए लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जल्दी से सीट बुक करवा लेना, ये सीट कहीं फुल ना हो जाए और कहीं आप ना रह जाओ। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जय हिंद जय भारत।